हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों के सामने खड़ी हुई है ब्रांड न्यू 2002 KTM ड्यूक 250। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बाइक का कंप्लीट एडवांटेज के बारे में बताने वाला हूं। आप लोगों की तरफ से काफ़ी रिक्वेस्ट आती है कि अगर हम KTM की ड्यूक 250 को ख़रीद रहे तो भाई हमें क्या एडवांटेज मिलेगा, इस बाइक को ख़रीदना सही रहेगा या नहीं रहेगा, ये बाइक वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, इस बाइक में अगर हम 2.5 लाख रुपये फंसाते हैं तो क्या वो 2.5 लाख रुपये हमारा वर्थ है या वर्थ नहीं है। ऐसे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कमेंट सेक्शन में देखे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट बताने वाला हूँ कि आप लोगों को KTM ड्यूक 250 लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और अगर आप लोग इस बाइक को ले रहे हैं तो आपको बाइक में कितने सारे एडवांटेज मिलेंगे उसके बारे में आपको मैं कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो ज़रूर देखना अगर आप KTM की ड्यूक 250 लेने की सोच रहे हो, या आप KTM ड्यूक 250 लेने का प्लान बना रहे हो, या आप कन्फ्यूज़ हो किसी और बाइक को लेकर, तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी इस बाइक को ख़रीदने में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं KTM की ड्यूक 250 के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्यू के नोटिफिकेशन में आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं बाइक के प्राइस के बारे में। अब ऑब्वियसली बात है, अगर हम कोई भी चीज़ खरीदने वाले हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले हम भाई प्राइस के बारे में सोचते हैं कि भाई हमारे जेब में पैसे कितने हैं। जितना हमारा बजट होता है, जितना हमारे पास पैसा होता है, उसके हिसाब से हम किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं। बात तो बाइक की नहीं हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, जब हम खरीदने वाले होते हैं तो हमारे सबसे पहले दिमाग में आता है प्राइस। इस बाइक का जो एक्सरूम प्राइस आ रहा है वो आ रहा है लगभग 2,28,000 से 2,29,000, 2,28,000 से 2,29,000 रुपये के आसपास की ये आपको एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात करें दोस्तों ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो उससे पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस में फ़र्क होता है। ड्यूक 250 हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में लगभग 2,62,000 से 2,63,000, 2,62,000 से 2,63,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। अब आप लोगों के सीट एंड स्टेट में इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस है, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बाइक के एडवांटेज के बारे में। बाइक में आपको सबसे पहला जो एडवांटेज मिलता है वो मिलता है बाइक का पावर एंड बाइक का इंजन। देखिए, आपको पता है कि 250 cc जो बाइक है वो इंडियन मार्केट में काफ़ी सारी बाइक अवेलेबल है, ठीक है, बहुत सारी, मतलब कम से कम 4 से 5 बाइक इंडियन मार्केट में 250 cc में आती है। लेकिन दोस्तों इस बाइक में आपको सबसे ज़्यादा पावर मिलता है 250 cc में। KTM की ड्यूक 250 में सबसे ज़्यादा आपको पावर मिलेगा। और दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो भाई, KTM की कोई भी बाइक ले लो, इनका सबसे खास चीज़, दो चीज़ सबसे खास होती है, एक तो इनका लुक होता है, प्लस एक होता है इंस्टेंट पावर एंड पिकअप। इस बाइक में आपको लगभग 30 PS के आसपास का पावर मिलता है, 24 के आसपास का न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। इसी वजह से दोस्तों बाइक का जो इंस्टेंट पावर है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब इसकी जो परफॉर्मेंस आपको मिलेगी ना भाई वो काफ़ी तगड़ी मिलने वाली है। और इसी वजह से जितने भी आज यंग जनरेशन के बॉयज़ है KTM ड्यूक 250 को काफ़ी ज़्यादा खरीद रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ये बाइक काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है। इसका रीज़न यही है कि भाई इसमें जो पावर मिलता है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। इस बाइक में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, DOS इंजन आता है, डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। इसकी खास बात ये भी होती है कि ये परफॉर्म तो काफ़ी अच्छा करेगा, लेकिन जब आप हाई स्पीड में जाओगे, 140 के अबाव भी जाओगे, तो वहाँ भी अभी आपका जो इंजन रहेगा बाइक का वो स्मूथली काम करेगा, आपको कोई भी इरिटेशन वाला जो साउंड है वो नहीं आएगा, जो कि अदर बाइक में आता है। तो ये बाइक का सबसे पहला एडवांटेज है। बात करें बाइक के सेकेंड एडवांटेज के बारे में, वो है दोस्तों बाइक का इंस्टेंट पावर। जैसे मैं आपको पहले बोला था कि बाइक की जो इंजन है वो तो आपको बहुत ही बेहतर मिलेगी, प्लस बाइक का जो इंस्टेंट पावर यानी कि बाइक का जो पिकअप है वो आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। इस बाइक की जो परफॉर्मेंस है ना वो आपको काफ़ी नेक्स्ट लेवल वाली बाइक में मिलती है। बात करें नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में दोस्तों, तो वह है बाइक के सस्पेंशन। अब आपको पता है दोस्तों इस बाइक में WPK USD फॉक्स सस्पेंशन आते हैं, जैसे कि हम अपसाइड डाउन सस्पेंशन भी कहते हैं। ये जो सस्पेंशन है ना काफ़ी प्रीमियम है, और प्रीमियम होने के साथ साथ इनकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छी मिलेगी। बहुत ही अच्छे सस्पेंशन माने जाते हैं ये वाले। फ्रंट में WPK USD फॉक्स आ रहे हैं, और रियर में आपको WPK मोनोशॉक सस्पेंशन आपको बाइक में मिलेंगे। रियर और फ्रंट सस्पेंशन दोनों ही आपको बाइक में बहुत ही अच्छे मिलते हैं। बात करें दोस्तों नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में, जो कि ड्यूक 250 का सबसे बड़ा एडवांटेज है, वह है बाइक के इलेक्ट्रिकल्स यानी कि इस बाइक की हेडलाइट। देखिए, इस बाइक में आपको फुली LED लाइट मिलती है, और जैसे ये आपकी खड़ी है KTM ड्यूक 125, इसमें आपको हेलोजन लाइट मिल रही है, मेन लाइट हेलोजन मिल रही है। 200 में भी सेम हेलोजन लाइट मिलती है।
दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, सेम लाइट आपको KTM की ड्यूक 390 में भी देखने को मिलती है। देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको LED DRL लाइट मिल रही है, साथ में जो मेन लाइट है वो आपको फुली LED मिल रही है, जो कि मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, इसमें आपको काफ़ी अच्छी LED लाइट देखने को मिल रही है और काफ़ी ज़्यादा ब्राइट भी है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा फॉग लाइट लगाने की नीड नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। टर्न सिंगल लैप आपको बाइक में LED मिलते हैं, काफ़ी अच्छे हैं, और टेल लाइट भी आपको बाइक में LED मिलती है। तो ये भी बाइक का सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है। नेक्स्ट एडवांटेज है वो है दोस्तों बाइक की ब्रेकिंग। अब दोस्तों अगर आप एक कोई भी अच्छी स्पोर्ट बाइक्स ले रहे हैं तो उस बाइक की जो ब्रेकिंग है भाई वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी सेफ्टी के लिए, ठीक है। और आपको मैं बताना चाहूँगा भाई, इनकी जो ब्रेकिंग है ना KTM की, बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। और देखना, ज़्यादातर आप आजकल जो स्टंट मैन है, पहले तो बजाज की पल्सर यूज़ करते थे, लेकिन अब KTM को यूज़ करने लगे हैं ज़्यादा। रीज़न है ब्रेकिंग और पावर। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, बाइक में डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जहाँ ABS है, जो कि डुअल चैनल ABS है। तो इसी वजह से बाइक की परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस आपको काफ़ी रिस्पांस अच्छा मिलेगा। प्लस दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, बाइक में 4 पिस्टन कैलिपर मिलते हैं। 4 पिस्टन कैलिपर का मतलब ये होता है कि एक कैलिपर है और 4 पिस्टन है। इसी वजह से इसकी जो ब्रेकिंग है काफ़ी अच्छी है। प्लस एक और एडवांटेज है, प्लेट साइज़ काफ़ी बड़ी है, 320 mm की प्लेट साइज़ मिलती है। और जितनी बड़ी प्लेट साइज़ रहेगी, ऑब्वियसली बात है, ब्रेकिंग की जो इनकी जो पकड़ होगी वो उतनी बेहतर मिलेगी। इसी वजह से इनकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी मिलेगी। रियर में भी आपको बाइक में लगभग 230 mm के आसपास की जो प्लेट साइज़ है बाइक में मिल जाती है। तो ये बाइक का ब्रेकिंग है, और बाइक की बहुत ही अच्छी ब्रेकिंग आपको प्रोवाइड की गई है KTM की तरफ से। नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में बात करें दोस्तों, तो है बाइक का कम्फर्ट। अब देखिए, आपको पता है कि भाई हर बाइक का एक सेगमेंट होता है, नेकेड स्पोर्ट होती है, क्रूजिंग स्पोर्ट्स होती है, या फेयरिंग स्पोर्ट होती है, एडवेंचर्स बाइक होती है। तो ये नेकेड स्पोर्ट बाइक है, और नेकेड स्पोर्ट बाइक ना काफ़ी कंफर्टेबल होती है। अगर आप फेयरिंग स्पोर्ट बाइक लेंगे ना, तो उसमें आपको लुक ज़रूर अच्छा मिलेगा, बट उनका जो हैंडल कंफर्ट है, सीटिंग पोस्चर है, वो उतना बेहतर नहीं होता। आप इस बाइक को अगर, मतलब मान लीजिए 150 से 200 किलोमीटर भी कंटिन्यू चलाएंगे, तो आपके बैक में एंड शोल्डर में मेरे हिसाब से कोई भी पेन नहीं होना चाहिए। अगर आपको थोड़ी भी बाइक चलाने की आदत है तो थोड़ा भी आपका बैक पेन एंड शोल्डर पेन नहीं होगा। तो बाइक जो है वो काफ़ी कम्फर्टेबल आपको मिल रही है। दोस्तों बात करें इसके फीचर्स के बारे में, तो फीचर्स भी आपको बाइक में बहुत सारे मिलते हैं। इसका स्पीडोमीटर देख पा रहे हैं, फुली डिजिटल मीटर मिलता है, जिसमें आपको देख पा रहे हैं ये RPM मीटर है, एक गियर इंडिकेटर है, स्पीडोमीटर है, लो फ्यूल इंडिकेटर, इंजन टेम्परेचर, क्लॉक, साइड स्टैंड इंडिकेटर, यहाँ पे आपको फ्यूल रेंज भी मिलता है, ठीक है, और डिस्टेंट एम्प्टी इंडिकेटर भी मिलता है। इसमें मोड भी मिलता है, रोड एंड, यहाँ पे आपको 2 मोड मिलता है, रोड एंड सुपर मोटो। साथ में आपको बाइक में देख पा रहे हैं ABS है, ये ABS की लाइट है, शिफ्ट RPM, मतलब फीचर्स जो है वो आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं। एक फीचर्स की कमी है कह सकते हो, मोबाइल कनेक्टिविटी, बट आने वाले समय में आपको वो चीज़ भी बाइक में मिल जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो फीचर्स दिए गए KTM की तरफ से, वो भी आपको बाइक पे बहुत ही अच्छे मिलते हैं। बात करें नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में दोस्तों, तो है बाइक का लुक। अब दोस्तों लुक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी बाइक का, क्योंकि जब भी हम कोई बाइक लेते हैं तो सबसे पहले हम बाइक का लुक देखकर ही उसे पसंद करते हैं, बाद में पूछते हैं पावर कितना, प्राइस कितना, सबसे पहले बाइक का लुक देखते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि KTM की ड्यूक 250 लुकिंग वाइज, तो आप लोग वीडियो में देख ही पा रहे हैं, बहुत ही यूनिक लगती है, और बहुत ही ज़्यादा भाई, मतलब क्या ही बोलूँ, 250 बहुत ही प्यारी लगती है। प्लस बाइक का ग्राफिक आप लोग देख पा रहे हैं, KTM का जो ग्राफिक होता है ना, वो काफ़ी यूनिक होता है। जो दूसरियाँ ज़्यादातर मैंने कंपनियाँ देखी है, नॉर्मल आपको कलर मिलेगा, उतना ज़्यादा अच्छा ग्राफिक नहीं मिलता, बट KTM की बाइक्स में आपको जो ग्राफिक है वो आपको काफ़ी यूनिक मिलता है। प्लस आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको ऑरेंज में काफ़ी सारी चीज़ें को यूज़ किया गया, जैसे कि चेसी ऑरेंज है, बाइक का व्हील ऑरेंज है, तो ऑरेंज होने की वजह से काफ़ी फंकी लगती है बाइक, और यंग जनरेशन की जो बॉयज़ है इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इसी रीज़न की वजह से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर आप 260,000 रुपये KTM ड्यूक 250 के ऊपर डाल रहे हो, तो वो पूरा वर्थ है। अगर आपको ये बाइक लेनी है तो मेरे हिसाब से ज़रूर आपको ये बाइक खरीदनी चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज की इंटरेस्टिंग वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके, आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।